सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि हमें आने में थोड़ी देर हो गई। आज हम सीधा सहारनपुर से आ रहे हैं, तो इसलिए आते आते जो विलंब हुआ है उसके लिए आप सबसे क्षमा करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि प्रोग्राम होकर संपन्न होने के बावजूद आप लोग यहाँ पर बैठे थे, तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं मोर सिंह जी और स्कूल के हमारे प्रबंधक विपिन राठी जी और यहाँ पर मौजूद ऊन इलाके के सभी जिम्मेदार, सभी सम्मानित गणमान्य हमारे बड़ों का मैं अभिवादन करती हूँ। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और जो आज की हमारे वक्त की ज़रूरत है वो शिक्षा की है और ये बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हमारे इलाके में यहाँ पर इस मदरलैंड स्कूल के ज़रिए हुई है, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और हमारे विपिन भैया भी बधाई के पात्र हैं। हमारा जो इलाका है थोड़ा पिछड़ा है, इस पर ज़्यादा सरकार भी थोड़ी अपनी पैनी नज़र रखती है, तो इसलिए थोड़ा पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर ऐसी शुरुआत बिल्कुल बहुत खुशी हुई ऐसी शुरुआत देखकर। और जैसा विपिन भैया कह रहे थे कि जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम आपके स्कूल के लिए हम सहयोग करने का काम करेंगे, आप अपनी तरफ से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होगा वो आप बता दीजिए, चाहे रास्ते का हो, खड़ंजे का हो, जो भी हो, आपके लिए हम लोग मौजूद हैं और जो भी सबसे अहम काम होगा वो पूरा करने की आपके आशीर्वाद से कृपा करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ये हमारा किसानों का इलाका है, किसान बेल्ट है, और आज हम लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा, हमारा मूल भाव तय नहीं हो पा रहा अभी तक सरकार से, तो ये जो हमारी शिक्षा का रास्ता है यही एक ऐसा बुनियादी रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दें कि वो जाकर सरकार में सरकारी पदों पर बैठे और फिर हमारे लिए अच्छी नीतियाँ बनाए। रास्ता लंबा ज़रूर है ये वाला, लेकिन क्या करें, जब सरकार तो सुनती नहीं है तो इसी तरह के हमें अपनी शिक्षा पर अपनी बुनियाद हमें मजबूत करनी पड़ेगी और बुनियाद मजबूत शिक्षा के ज़रिए होगी, हमारी पढ़ाई लिखाई से होगी, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे उसी से होगी। उसी के लिए जो शुरुआत हुई है ये बहुत ही काबिले तारीफ है और मैं हम सब कामना करते हैं कि इसी तरह हर जगह, हर गाँव में, हमारे इलाके में जगह जगह स्कूल खुले, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें और हम लोग सब उनका सहयोग करें। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है और इस सब के इसके इस मौके पर आपको मैं